Hi, I'm Sidra Iqbal, and it's a pleasure to be a part of Huma Adnan's initiative called Craft Stories. She's collaborated with the UNHRC, and बहुत मेहनत, compassion, और लगन के साथ ये project तकमील तक पहुंचा है. आज हमने इसकी showcasing देखी. These are jewelry that are handmade, और इनको refugees ने बनाया है. Huma और उनकी team ने इनके साथ बहुत मेहनत की है. उनको arts, design, aesthetics, color combinations, इन सब की training दी गई है. आज एक बहुत ही important दिन इसलिए भी है क्योंकि 40 साल गुजर गए हैं जब हमने देखा कि पहले अफगान रेफ्यूजी ने पाकिस्तानी सरजमीन पे कदम रखा. एक बहुत बड़ी तादाद में आज पाकिस्तान रेफ्यूजीज को सपोर्ट करता है. ये डिस्प्लेस्ड लोग हैं लेकिन ये बहुत वल्नरेबल भी हैं. जब तक इनका एक्सेस नहीं होगा टू हेल्थ केयर, टू एजुकेशन, टू लाइवलीहुड, अनफॉर्चुनेटली इनके एक्सप्लॉयट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. तो इस तरह के इनिशिएटिव्स की ज़रूरत है. मैं उम्मीद करती हूँ कि क्राफ्ट स्टोरीज इज़ गोइंग टू गो अ लॉन्ग वे इन मेकिंग अ डिफरेंस इन देयर लाइव्स एंड इन ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स फॉर द बेटर. Good luck to you, Huma, and to Craft Stories.